हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो है आपकी बहन जो जल्दी तैयार हो गई और हम लोग जा रहे हैं लैब, और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो अभी जो है कल से मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए जो है मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी लैब जाए, थोड़ा इंप्रेशन आपका अच्छा बनता है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सही बाहर वाली वो रौनक लग रही है। इधर कौन सा मौसम का पता चलता है, थोड़ी सी ये बारिश वगैरह हुई तो अच्छी खासी ठंड आ जानी है। ये तो सीन होते हैं। आप कपो बैठा जो है वो मे बी हमारा आज लास्ट रोज़ा हो, तो इसलिए जो है ना कह रही थी यार इतनी जल्दी रमज़ान गुजर भी गया, अभी तो आया था पर ख़त्म भी हो गया। तो यार मैं कह रही थी अभी तो रमज़ान शुरू हुआ था, अभी ख़त्म भी हो गया। वैसे भी ये जो रमज़ान है ये बहुत जल्दी एंड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे शोर बहुत होगा, फिर आप कहोगे बाजी माइक ले ला। ऐसा मत करो मेरी जान। बाजी भी गरीब है, बाजी माइक नहीं ले सकती, समझा करो यार। मैं गरीब हूँ। उनका चालान कट गया। यहाँ पर अभी ये होता कि जिसने हेलमेट नहीं ना पहना होता तो उसका चालान कट जाता है। तो अक्सर आवाम जो है ना जैसे देखते हैं ना पुलिस को खड़ी हुई है, वैसे ही फ़ौरन से उठा के हेलमेट उनकी मतलब वो डिग्गी भी होता है ना बाइक की, तो फिर उससे से पहन लेती है। बस जा रही है डबल डेकर, बेचारे फंसे बैठे हैं, इनका चालान कटा हुआ है। पाँच मिनट तक हम पहुँच जाएंगे। बस में आज रश भी नहीं है तो इसलिए हमें बैठने की भी जगह मिल गई, अदरवाइज जो है जगह भी नहीं मिलती होती। जी तो गाइस हम लोग जो है बस वगैरह से उतर आए हैं और अब जा रहे हैं अपने हॉस्टल की। सॉरी, एक तो हॉस्टल याद आता है के बाद हम तो जा रहे हैं हम लोग अभी लैब की तरफ। बस दो तीन मिनट तक पहुँच जाना। देखो ये वर्दी शर्दी में बच्चे बाबा जी जो आ रहे हैं, सारा जो है वो काम शाम कर भाई। देखो इतनी बड़ी को वो लोग रहती नहीं। तरीका भीख मांगने का, मतलब वीडियो वगैरह बना रहा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तब होना जब आप थोड़े फेमस भी हो। जब आप फेमस ही नहीं है तो फिर ऐसे ही भी मतलब उल्लू ही लगता है वीडियो बनाते हुए। गजब बेइज्जती है। आज जब अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना तो इस वजह से बड़ा मजे का मौसम हुआ होगा। ये जी मेरी अकेडमी, ये जू है, इसमें हम जाएंगे ईद के बाद। अभी जा रहा है चुन्निया भाई, इसको हम चूहा कहते हैं। आए कभी इसको चूहा कहते हैं, कभी चिंपैंजी, तो कभी कुछ। इतना कोई मनहूस किस्म का बंदा है ना, इतना भी बंदा क्या ही सड़ा हुआ होता है। ये बहुत सड़ा हुआ है, इसकी वजह से सारी लैब का माहौल ख़राब होता है हमारी का। काट रहे हैं ऊपर से ग्रास वगैरह, प्यारे कितने लग रहे हैं ना फूल इस तरह से लाइन में लगे हुए। एक मज़े की बात बताऊं, ये वाला जो शेर है ना, ये वाला शेर और वो वाली शेर नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो है ना ये उसका हस्बैंड है, वो वाइफ है, और उसके पास ना एक बच्चा भी है। वो देखो उसकी गोद में बच्चा बैठा हुआ है। ये आपकी बाजी ने जो है वो आज से दो तीन दिन पहले जो है वो नोट की है चीज़। खैर सीढ़ियाँ चढ़ो फिर आपको मैजिक दिखाती हूँ। आए जो आ जाओ, तुम लोगों को मैजिक दिखाते हैं। मैं ठीक खुल जा सिम सिम, देखा मैजिक। तो गाइस हम अपने फ्लोर पे आ चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह मिलूंगी आपको मे बी ब्रेक टाइम या फिर छोटी टाइम, क्योंकि अभी आपकी बहन जल्दी आ गई, टाइम से पहले ही आ गई है लैब में। Later. Hello guys. तो अभी बज रहे हैं तकरीबन दो और हम जो है वो निकल आए हैं अपने घर को जाने के लिए। लिफ्ट भी हमारी आ चुकी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है हमने, इसको करते हैं बंद।
तो आज का सारा दिन जो है मैंने लैब में गुजारा है, तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलो एक टाइम ही हमने आना है, तो ऐसा जितना कोई काम भी नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, अब जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं जोहर का, क्योंकि टाइम हुआ होगा तो नमाज पढ़ते हैं जाके, और थोड़ी रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर शाम को हमने अगेन मस्जिद जाना है। ये यार चांद रात पे, लेकिन यहाँ पर तो क्या ही चांद रात होगी, सैड लाइफ होगी हमारी लाइफ। दरवाजा खुल जाता है, बिल्कुल हम अमीर बंदे हैं। वो लोग बातें पैसे को नहीं भरता, अमीर होना चाहिए, बनने का दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी पैसों में क्या ही रखा है यार, पैसे तो हाथों की मैल है, ठीक है, इसलिए हम धोते नहीं हाथ के, कहीं पैसे ना गिर जाए। तो ज्यादा मजाक हो गया, तो अभी जो है फिर हम लोग चलते हैं घर। यार आज लास्ट रोजा है, लास्ट, और मेरा जो है 1 month कंप्लीट हो गया, चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। मैंने खुद से चैलेंज किया था कि मैं एक पूरा महीना जो है ना वो डेली व्लॉगिंग करूँगी, टूटी भज्जी जैसे भी मैंने व्लॉगिंग की है, लेकिन की तो है ना भाई, तो वो हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो है वो इसको कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, किया करूँगी ना, हफ्ते में एक व्लॉग डाल दिया करूँगी या दो डाल दिया करूँगी, डेली व्लॉगिंग जो है वो भी थोड़ी देर स्किप कर देंगे हम, क्योंकि डेली व्लॉग में कुछ होता तो है नहीं, बस मेरी रूटीन होती है डेली, बस ऐसा कुछ होता तो नहीं है। छाँव में बैठा हुआ है, धूप नहीं इसको लगी अभी। ये देखो ये राहदारी तो मेरी फेवरेट वाली है ना, मैं तो आते जाते यहीं से गुजर के जाना होता है, कितना मजे का एनवायरनमेंट हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा सा। ये कोई अपने कपड़े इधर छोड़ गया हुआ, जैकेट वो वाली जगह मैंने जहाँ पे गप्पे मैडम मारी थी आपके साथ बैठ के, वो वाले फूल भी हैं, ये वाले। One hour later. आज हमारे साथ हुआ है धोखा, मैं अभी थी वापस एज यू नो, लेकिन अभी जो है वो दोबारा से बस में बैठे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी अर्जेंट केस में जो है वो एक मीटिंग आ गई है, तो अब भाग भाग जा रहे हैं दोबारा से। अनम भी चली बैठी है, अब ये है कि जब जल्दी का काम होता है तब हर काम ही लेट होता है, तो बस इतनी देर बाद आई है, इसलिए अच्छा खासा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, और मीटिंग जो है अवॉर्ड, तो मुझे लग रहा है जब तक हमने पहुँचना है तब तक मीटिंग खत्म हो जाएगी, देखो क्या बनता है। यार बहुत ही इमरजेंसी में हमको बुलाया गया है, अब हम लोगों को आते आते तकरीबन 20 मिनट तो हो ही चुके होंगे ऑलरेडी, हम लोग लेट हो गए यहाँ पे, तो बच्चे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, पता नहीं इसके लिए बुलाया था हमें। Later. अभी जो है हम जा रहे हैं आरची बस सब पे, तो रश काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, देख सकते हैं आप लोग इस तरह लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। ये बंदे जो है वो कुर्सी लेके आई हुई है और बैठ भी नहीं रही इसके ऊपर, के बंदा चलो बैठ जाता है यार। ये देखो ये ना ब्रेड बना रहे हैं, शायद नूडल वगैरह, ये इस तरह का कोई सीन है। वाओ साथ में कुछ और है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये चावलों का कुछ लग रहा है, ये तो न्यू डिश लग रही है। चलो इन्होंने अफ्तार के लिए सारा कुछ बना के रखा हुआ है माशाल्लाह, चेक द सीन्स कुछ ऐसे हैं। पहले आ गए ना तो उन्होंने कहीं पर थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं, तो ये लोग ना अभी कटिंग शटिंग करते हैं, तो हमने कहा कि कुछ हेल्प चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि ये एक फ्रूट्स की प्लेट्स हैं, तो ये ना आप ऊपर ले जाओ सेकंड फ्लोर पर। वो आंटी कितनी प्यारी सी है। ये जो है वो अफ्तारी वाली टेबल है, आज हम टाइम से पहले आ गए हैं, तो इसलिए जो है हम लोगों ने खुद सी अपने लिए चीज़ें अरेंज कर ली हैं, बाकी उनकी हेल्प करवाई थोड़ी बहुत हमने, चाक उसके ऊपर चॉपस्टिक्स वगैरह जो है वो हमने रखी है, और फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ।
Later. बस ये आज खाने में ये वो है सैलड टाइप है कुछ और ये चावल है साथ में ये जो है वो मीट समथिंग है और ये जो डिश है ये अंडा और टोमेटो वगैरह सूप टाइप है। Later. Guys, welcome back. आज है जी चांद रात विदाउट एनी बकवास फजूल। तो आज जो है वो चांद रात है लेकिन चाइना में काहे की चांद काहे की रात। तो हम लोग बस देखे आप लेटे पड़े हैं वैसे ही खा पी के स्कूल मॉल में थे और तो कपड़े वगैरह जो है वो हम लोग कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और सुबह जो है वो हम लोगों ने जो है वो प्लान किया हुआ है कि अपनी जो ईद है वो अपने टीचर्स के साथ सेलिब्रेट करें चाइनीज के साथ ताकि उनको भी थोड़ी अकल मौत आए उनको भी पता चले कि दुनिया में कोई क्या होता है। तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने उनको कहा हुआ है कि हम आपके लिए जो है वो सुइयां वगैरह बना के लाएंगे जो हम लोग यूजली खाते हैं अपनी ईद पे। तो इसका सुन के जो है वो उन्होंने हमें ट्रीट का बोल दिया जल्दी से कि ठीक है रात का जो डिनर है वो हमारी तरफ से होगा आपकी इवन फेस्टिवल को देख के। ठीक है सुना आपने एंड हम शशके मार रहे अपने तो खैर इग्नोर हाँ ठीक है ठीक है समझ गए। हाँ सुन लिया हमने क्रेडिट गर्ल्स टू एनएम सो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए ये एनएम का कंटेंट था। ठीक है तो अब जो है वो हम लोग कपड़े शपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह फिर कपड़े शपड़े इस्त्री करके समोसे बनाने हमने सुबह उठ के सेवइयां बनाएंगे और 8 बजे जो है वो ईद की नमाज का टाइम है जी। तो रश बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए हम लोगों ने टाइम से पहले पहुँचना है और अपनी रवायत को बिल्कुल बरकरार नहीं रखना। तो इसलिए जो है वो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि अपनी चीज़ें चूज़े जो हैं वो जल्दी से समेट लें सारे काम जो है वो निपटा लें टाइम से ताकि समोसे जो हैं वो अभी से बना के रख लें सुबह फ्राई कर लेंगे या अभी कर लेंगे उनको कौन सा पता चलेगा इसको ठंडा खाते हैं कि गर्म खाते हैं ज़्यादा हुआ तो ओवन में गर्म कर देंगे अल्लाह लगे यार जला। तो आज के लिए यही सब कुछ था होप सो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने घर वालों को बहुत सारे ख्याल रखें और सबको बहुत 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 ईद मुबारक हमारी तरफ से मेरी तरफ से अनम आपकी तरफ से नहीं अनम कह रही है मेरी तरफ से ईद मुबारक नहीं कहने बदतमीज ओके नहीं तो ना सही। खैर आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें ईद की खुशियों में खुश हो जाएं जो आपसे लड़े हुए हैं उनको जाके मनाएं नहीं मानते तो दफा करें अपनी ईद मनाएं। नंबर से फिलहाल जवाब कुछ देर बाद कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।